रक्षोहा विश्वाचारे खानीराभियो नीमायो हते द्रोणे साधस्थमा सादाता अथ रक्षा विधानम्। बाएं हाथ में अक्षत पुष्प, पीली सरसों, मौली द्रव्य लेकर के और उसे दाहिने हाथ से ढक करके निम्नलिखित मंत्रों से पीली सरसों को अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करेंगे तो रक्षा विधान में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कर्मकांड की कक्षा में पंचलोकपाल, दशदिक्पाल इत्यादि यहाँ तक की सारे वीडियोस के माध्यम से आप तक पूरी पूजा विधि पहुँचाई। अब हम रक्षा विधान में प्रवेश कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और कैसा लगे ये कमेंट करके भी आप लोग जरूर बताइए, है ना। अब रक्षा विधान में प्रवेश करते हैं तो यहाँ हम जो गुरुदेव ने बताया कि द्रव्य, मौली इत्यादि अक्षत, पीली सरसों लेकर के हमने उसे दाहिने हाथ में रख करके उसे अभिमंत्रित जो हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर वैदिक मंत्र भी बहुत सारे हैं, जैसे रक्षो हणम वलगहनम इत्यादि बहुत सारे मंत्र है, रक्षो हविस्वचारी खणे रभियो। अब यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए जो प्रयुक्त किया है वो इस प्रकार है, तो हमें यह ढक करके फिर हमें इस प्रकार अभिमंत्रित करना है। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य पितामह विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्त्या सरस्वती स्थानाधिपम नमस्कृत्य ग्रहनाथम निशाकराम धरणी गर्भ संभूताम शशिपुत्रम बृहस्पतिम दैत्याचार्यम नमस्कृत्य सूर्यपुत्रम महाग्रहाम राहुम केतुम नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः शक्राद्या देवता सर्वः मुनिश्चैव तपोधनान् गर्गम मुनिम नमस्कृत्य नारदम मुनिसत्तमम् वसिष्ठम मुनिशार्दूलम् विश्वामित्रम च गोभिलम् व्यासम मुनिम नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदम् विद्याधिकाये मुनय आचार्याश्च तपोधनाः तान् सर्वान् प्रणमाम्येव यज्ञ रक्षान्तरान् सदा। अब निम्नलिखित मंत्रों से हम दसों दिशाओं में पीली सरसों का विकिरण करेंगे, यानी पीली सरसों छोड़ेंगे जिसे हमने अभिमंत्रित किया था। हाँ, ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम् गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम् मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविन्दो वायव्याम् तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्याम् तु महेश्वरः ऊर्ध्वम् गोवर्धनो रक्षेत् अधो अनन्तस्तथैव च एवम् दश दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः अपत्रामन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थितः ये भूता विघ्नकर्तारः तेन श्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशः सर्वेषामवरोधेन पूजा कर्म समारभे। दशो दिशाओं में पीली सरसों का विकिरण किया, उसको छोड़ा, उसके पश्चात गणपत्यादि जो आवाहित देवता हैं उनके भी मौली का तार चढ़ाएंगे सभी के। गणपत्यादि आवाहित देवताभ्यो नमः रक्षा सूत्रम समर्पयामि। ये सब प्रक्रिया होने के बाद में यजमान ब्राह्मण के तिलक और रक्षा सूत्र बांधेगा, तो यजमान ब्राह्मण के जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो आचार्य ये मंत्र बोलते हैं और फिर रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणामां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धाया सत्यमाप्यते। यजमान के द्वारा आचार्य को रक्षा सूत्र बांधने के पश्चात आचार्य को यजमान तिलक करेंगे, तो तिलक करने का जो मंत्र है यजमान करेंगे तो आचार्य बोलेंगे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यजमान के द्वारा आचार्य को तिलक हुआ, रक्षा सूत्र बांधा, इसके पश्चात आचार्य के द्वारा यजमान को तिलक और रक्षा सूत्र बांधने के जो मंत्र है
सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधेंगे यजमान के। ये न बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् अनुभग्नामि रक्षे माचल माचल। ये तो हुआ लौकिक मंत्र। वैदिक मंत्र जो है यजमान के राखी मौली तार बांधने का। ओम जदा पदनंदाक्षायणा हिरण्यगो शतानीकाय सुमानस्यमानाः तन्म आबधना मिशत शारदा या युक्मान जरादश्चिर्चथा सम्मा। यजमान के रक्षा सूत्र हुआ। इसके पश्चात यजमान के तिलक करेंगे आचार्य। उसका जो मंत्र है वो ये है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये हुआ वैदिक मंत्र और एक लौकिक मंत्र है। ओम स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम रुवन्तु नः। तो इस प्रकार रक्षा विधान का जो प्रक्रिया है वो हमने आपको प्रसारित किया, आप तक पहुंचाई कि किस प्रकार हमें उन द्रव्यों को अभिमंत्रित करते हुए हम दसों दिशाओं में अपनी रक्षा की कामना करते हैं। रक्षा विधान का बहुत ही भारी महत्व है कि रक्षा विधान करने से जो जो जैसे हमने बोला कि पूर्वे रक्षत वारा है, तो भगवान पूर्व में भगवान वारा है हमारी रक्षा करते हैं। आग्नेयाम गरुड़ ध्वज, तो अग्नि जो कोण है वहां से हमारे गरुड़ भगवान हमारा जो है वहां पर हमारी रक्षा करते हैं। दक्षिणे पद्मनाभस्तु, पद्मनाभस्तु जो भगवान है वो हमारी दक्षिण में रक्षा करते हैं। नैऋत्य कोण में मधुसूदन भगवान हमारी रक्षा करते हैं। पश्चिम में गोविंद हमारी रक्षा करते हैं। और वायव्याम में जनार्दन हमारी रक्षा करते हैं। उत्तरे श्रीपति रक्षेत और ऐशान्यम तो महेश्वर है। इस प्रकार दशो दिशाओं में ये देवता हमारी इस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो रक्षा विधान का बहुत भारी महत्व है और इस प्रकार सभी देवता हमारी रक्षा करते हैं। और हम फिर यजमान के द्वारा ब्राह्मण के रक्षा सूत्र और तिलक बांधा जाता है और फिर ब्राह्मण यजमान की रक्षा सूत्र और तिलक करता है। तो यह रक्षा विधान की प्रक्रिया हुई। यह आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। जय जानकी नाथ।